पाजा प्रणय है ना वो स्ट्राइक पे कौन है प्रणव महात्रे के लिए प्रणव महात्रे जिसकी मैं बात कर रहा था दोस्तों लास्ट टूर्नामेंट जो इस मैदान पर हुई थी 46 रन्स एक बहुत ही दर्जेदार बल्लेबाजी जरूर गई थी पर कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी का साथ नहीं मिलने के कारण उस मैच को लूज कर गया था क्योंकि मोरिया 11 स्पोर्ट्स क्लब बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करके उस मैच को जीत गई थी। आखिरी गेंद तक वो मैच आई थी। आप पहली गेंद लेकर एक माहिर गेंदबाज हमारे बीच यहाँ पर जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इस पहली गेंद का सुरेश मरी उर्फ मरी अपनी पहली गेंद के लिए पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ तैयार एक छोटे कदमों का रनअप अंपायर को क्रॉस करते हुए पहली गेंद प्रणय के लिए गेंद को खेल दिया है वहां पर फाइनल की दिशा में फील्डर पंकज मौजूद भागते हुए पर गेंद की गति काफी तेज और चार रन कोई मौका नहीं दिया यहां पर बल्लेबाज ने जिस हिसाब से मैं बात करता प्रणय जैसे एक धारदार बल्लेबाज यहां पर हमें देखने मिल रहे हैं। स्ट्राइकर एंड पर फिर एक बार सामना करेंगे सुरेश मनी मुनीम की गेंद को उठाने की कोशिश रही वहां पर डीप स्क्वायर में फील्डर अमन मौजूद और शायद काफी गति से बॉल के ऊपर भागे पर कोई यहां पर फील्डिंग का मुजाहरा काफी खराब और चार रन जिस तरह से मैं बात कर रहा था कि आपका मुकाबला है रॉयल स्पोर्ट्स कलंबोली के साथ अगर देखना हो तो यहां पर एक दर्जेदार बल्लेबाजी काफी करनी जरूरी है और वही यहां पर दर्शा दिया है। अगर आप देखें विकी तो अच्छी बल्लेबाजी जरूर दोनों ही गेंदों में एक फाइन लेग और यहां पर डीप स्क्वायर में अपने इरादे पूरी तरह से स्पष्ट कर दिए प्रणय की किस तरह से आने वाले गेंदों का वो सामना करेंगे यहां पर दर्शाते हुए। आप तीसरी गेंद आप क्या कहना चाहोगे विकी क्या अटैकिंग मूवमेंट होगा या फिर डिफेंस खेल के इसका सिंगल डबल के रूप में बदलेंगे। निश्चितपणे प्रणयच्या बॅट मधून आपण पाहिलं तर दोन चेंडूंमध्ये दोन चौकार पाहायला मिळतात परंतु यावेळेस गोलंदाज सुरेश मुनीम काय या गोलंदाजाला या मैदानावरती या वर्षी सर्वात जास्त उत्कृष्ट गोलंदाजाचे किताब मिळालेत हे पूर्ण एकदा दाखवून दिले सुरेश मुनीमच्या माध्यमातून। फलंदाज प्रणयची खेळीचं होतं मात्र अंत घेऊ नये तोय घोडा यहां पर बल्लेबाज काफी निराश होकर जरूर पवेलियन की ओर गए पर उनके इरादे काफी स्पष्ट थे। अब वही साथ यहां पर देंगे उनके बीच यहां पर नए बल्लेबाज मैदान में हम देख सकते हैं आशीष प्रणय जैसे एक धारदार बल्लेबाज को पूरी तरह से निस्तनाभूत करके पवेलियन की ओर भेज दिया गेंदबाज सुरेश ने। देखिए जहां पर चकमेदार गेंद फेंकी थी लेग कट काफी बेहतरीन स्विंग मारते हैं और इसी ट्रैप में कहीं ना कहीं आ गए प्रणय। मैं रिस्पेक्टेबल नाना जाधव और दिनेश भोईर साहब से मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज इस मंच पर आए इस मंच की शोभा बढ़ाए नाना जाधव और यहां पर फिर एक बार सुरेश की अगली गेंद बल्लेबाज उठाने की कोशिश रही वहां पर फिर एक बार देख सकते हैं गेंद के नीचे यहां पर भावेश लगा काफी बेहतरीन कैच और सॉरी अक्षय सर्वोदय गेंद के नीचे था और यहां पर विकेट की पारी कहां बहुत धन्यवाद डीजे। देखिए जिस हिसाब से यहां पर पहली दो गेंदे पे बड़े अंक अपने खाते पे दर्ज किए थे बैट बॉयज को कलंबोली टीम ने बट यहां पर सुरेश ने फिर एक बार दर्शा दिया कि मैं भी किसी से कम नहीं दोनों ही गेंद दर्जेदार गेंद और यहां पर दो विकेट अपने खाते में दर्ज करके रॉयल स्पोर्ट्स कलंबोली का दर्जा फिर एक बार ऊंचा कर दिया अपनी गेंदबाजी को साबित कर दिया यहां पर गेंदबाज ने। अब अपनी पांचवी गेंद जरूर लेकर आएंगे नए बल्लेबाज के लिए देखते हैं किस तरह से यहां पर खेलेंगे। आशीष उठाने की कोशिश रहे अंपायर से हल्की अपील अंपायर का कोई इशारा नहीं वहां पर और शायद एक रनआउट का चांस था अंपायर यहां पर जरूर 22 के रूप में मे बी
एक रन यहाँ पे बढ़ता हुआ, यहाँ पर इजाफा जरूर एक रन से हुआ है, कुल 9 रन 5 गेंदों की समाप्ति पर। यह पहली सर्कल की ओवर जहां पर बल्लेबाजों को पूरी यहाँ पर चांसेस होते हैं कि बड़े स्ट्रोक लगाएं, अपनी टीम का स्कोर पहली ओवर में काफी दर्जेदार बनाए, पर मौका नहीं दिया यहाँ पर सुरेश ने। फिर एक बार अपनी आखिरी गेंद लेकर हाईवेंड की तरफ से लेजेंड के बल्लेबाज के लिए उठाने की कोशिश रही, डीप में काफी गेंद थी, फील्डर भावेश उलवेकर वहां पर मौजूद, डायरेक्ट हिट की कोशिश मिस यहाँ पर कीपर से जरूर हुई, पर शायद इस एक ही रन से संतुष्टि माननी पड़ेगी। ओवर की समाप्ति 2 विकेट के नुकसान पर 10 रन अपने खाते में दर्ज करने पर कामयाब बैट बॉल स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली टीम। तर निश्चितपणे चांगली सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळते बॅट बॉय संघाच्या माध्यमातून। बॅट बॉय संघाचा एकंदर जर ह्या वर्षी आपण विचार केला, नवयुवक खेळाडूंचा भरणा सावंत सरांच्या माध्यमातून या वर्षी। बॅट बॉयज के कप्तान से मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज अपना 12वा खिलाड़ी द गोल्डन प्लेयर प्लीज यहाँ पर उसको भेज दें, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर नाम जरूरी है बल्लेबाज का, क्योंकि अच्छा खेल करते हैं तो उनका अच्छे तरीके से नाम उचित होना बहुत ही जरूरी है। मैं निवेदन करूंगा सावंत सर से कि प्लीज अपना 12वां खिलाड़ी जो कोई भी अवेलेबल है उसे इस मैदान इधर कमेंट्री बॉक्स में भेज दिया जाए। तर निश्चितपणे सुमित येतोय स्ट्रायकिंग एंडला, ज्या सुमितच्या माध्यमातून मागील सामन्याचा विचार केलात, एक चेंडू आणि 3 धाव्यांची आवश्यकता असताना एक जबरदस्त षटकार जरूर लगावला गेला होता, म्हणजेच यंग टॅलेंट यंग ब्रिगेड हा संघ पाहायला मिळतोय, परंतु खेळाचा विचार केला जबरदस्त खेळी भावना यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळते। ज्या प्रकारची सुरुवात प्रणयच्या माध्यमातून करून दिली होती संघाला, परंतु तदनंतर गोलंदाज सुरेश मुनीमने आपल्या फिरकीच्या बळावरती दाखवून दिलं की सुरेश देखील कोणापेक्षा कमी नाहीये। यावेळेस अरविंदचा वापर केला जातोय अक्रॉस द लाईन होऊन मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, लॉंग ऑन आणि मिड विकेटला चेंडू वळवण्याचा प्रयत्न, परंतु प्रयत्न हनून पाडले अरविंदच्या माध्यमातून। अरविंदचा विचार केला तर जबरदस्त गोलंदाजी या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत त्याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते। पहिल्या सामन्यामध्ये गोलंदाजी केली नव्हती, परंतु यावेळेस लोअर फुल टॉस चेंडू आहे, केवळ चेंडूला दिशा दिली आहे, डीप मिड विकेटला चेंडू जातोय, जोपर्यंत चेंडूची उचल केली जाईल तोवर मिळते ही सिंगल, आणि सिंगल घेऊन जाते संघाला 11च्या घरामध्ये। देखिए विकी अगर मैं बात किया जाए यहां पर जो ओपनिंग आए थे स्टार प्रणय बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, पर कहीं ना कहीं अगर वो पवेलियन की ओर गए उनके पीछे मनो तो एक दबाव जरूरी होगा इन दोनों बल्लेबाजों पर स्थिति को समझकर खेलना होगा, क्योंकि काफी अभी भी ओवर शेष है और उसी हिसाब की बल्लेबाजी यहां पर करनी होगी जरूर। आशीष को अरविंद की तीसरी गेंद रिवर्स स्वैप करने की कोशिश और क्लीन बोल, जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा फिर एक बार अरविंद ढेकले की ओर से। आपली आहे आपली आणि इकडे आवाज आहे आपला हवा। धन्यवाद यहाँ पर डीजे में कहना चाहूंगा, देखिए दबाव में जरूर बल्लेबाजी टीम हमें यहाँ पर देखने मिलेगी, क्योंकि 3 एक मोहक और बहुत ही बड़े विकेट अपने गवा चुकी है बैट बॉल स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली टीम। अब नए बल्लेबाज मैदान पर आए हैं, मैं नाम तो नहीं जानता बट बल्लेबाज उठाने की कोशिश रही करण, बल्लेबाज करण देखिए खेलने की कोशिश रही यहाँ पर बड़े स्ट्रोक, अगर बॉडी लैंग्वेज देखो जरूर क्षमता उनकी ताकत जरूर रहेगी, अगर किसी भी गेंद उनके पट्टे से छूके तो वो बड़े अंकों में ही कहलाई जाएगी। बट इसी बीच मास्टरमाइंड गेंदबाज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अरविंद डेकले उर्फ आर्या यहाँ पर दर्शा दिया था किस तरह से क्लीन बॉल किया था, पर उसी तरह के इरादे फिर एक बार दिखाने होंगे। बल्लेबाज यहाँ पर फुलटॉस गेंद को कुछ खास फायदा नहीं उठा पाए, फील्डर प्रभात वहां पर मौजूद, मिड ऑन पे एक अच्छा थ्रो और यहाँ पर एक रन से बढ़ता हुआ स्कोर यहाँ पर बैट बॉल स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली टीम का। इस एक रन से बढ़ता स्कोर कुल 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद बड़े अंक आने से काफी जरूरी होंगे, लाजमी होंगे इस बीच बैट बॉल स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली टीम के लिए। उठाया यहां पर कोई वहां पर शायद बड़ा स्ट्रोक मारने में कामयाब नहीं रहे, पंकज फील्डर वहां पर मौजूद, थोड़ी चकमेदार गेंद रही क्योंकि जमीन से जब गेंद घूमी तो यहां पर थोड़ी गैदरिंग में प्रॉब्लम हुई और यहां पर ओवर की समाप्ति 1 रन से बढ़ता स्कोर 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के साथ। बैट बॉल स्पोर्ट्स क्लब थोड़ी बैकवर्ड में हमें जरूर यहां पर देखने मिली, क्योंकि 2 ओपनिंग ऐसे धाक बल्लेबाज मैदान छोड़कर पवेलियन की ओर निराश होकर जा चुके हैं और वहां पर एक अटैकिंग गेंदबाजी जरूर कहनी होगी रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली टीम की ओर से, जहां पर एक तरफ विकी में कहना चाहूंगा सुरेश, दूसरी तरफ अरविंद, एक मास्टर माइंड दोनों ही स्विंग कट और टर्न में माहिर गेंदबाज हमें देखने मिले राइट हैंड, जिनकी खासियत है कि किस हिसाब से बल्ले के बीच से गेंद को टर्न किया जाए और इसके साथ साबित कर दिया दोनों ही ओवर में। अगर आप देखें तो सुरेश कहीं ना कहीं थोड़े साबित हुए थे 2 गेंदों में, बट उसके बाद अच्छा कमबैक रहा, पर पूरा 7 यहां पर मिलता हुआ आर्या का भी। अब अपनी खाते की दूसरी तो टीम के लिए तीसरी ओवर लेकर मैदान पर हाईवेंड की तरफ से लेजेंड के बल्लेबाज के लिए। तर निश्चितपणे गोलंदाज सुरेश मुनीम घेऊन येते तिसरा षटक, पहिला चेंडू राईट आर्म ओव्हर द विकेट, यावेळेसचा चेंडू पाहिलं
टप्प पडल्यानंतर काहीसा बाहेर निघतोय. फलंदाज वारंवार मोठे प्रयत्न जरूर केले जात आहेत, परंतु प्रयत्नांमध्ये कोणत्याच प्रकारचं यश संपादन होताना आपल्याला पाहायला मिळत नाही. कैलास चौधरीची अनुपस्थिती कुठेतरी संघाला पराभवाच्या गर्दीने घेऊन जाते, कारण कैलास चौधरीचा विचार केला या मैदानाचा बराचसा अनुभव या खेळाडूला पाहायला मिळतोय. यावेळेस सुंदर झेल पूर्ण केला जातोय अमन लोहियाच्या माध्यमातून, आणखीन एक झटका बॅट बॉय संघाला. हल्की बैकफुट में जरूर यहां पर आ चुकी है बैट बॉयज टीम, क्योंकि यहां पर गेंदबाज का कब्जा इस मैदान पर देखने मिल रहा है. सुरेश उठाने की कोशिश रही, करने की कोशिश नाकाम. बार बार गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं. देखिए गेंद पे पूरी तरह से बारीक नजर नहीं होने का कारण आप गेंद को टच भी नहीं कर पा रहे. विकेट कीपर के दास्तानों में गेंद जरूर देखने मिल रही है, और उसी के साथ एक अच्छी गेंदबाजी के रूप में गेंदबाज सुरेश फिर एक बार तैयार. सामना करेंगे करण, उठाने की कोशिश बार बार सेम प्रयास पर, प्रयास को कहीं यहां पर रिजल्ट नहीं दिखाई पा रहा है. विकेट कीपर के दास्तानों में गेंद. देखिए यहां पर देखिए तो खेल हो रहा है सिर्फ गेंदबाज और विकेट कीपर के बीच में. बल्लेबाज को चकमेदार गेंद फेंक फेंक कर बल्लेबाज के इरादे काफी तरीके से तोड़ते हुए यहां पर सुरेश फिर एक बार अपनी गेंद लेकर सामना करेंगे करण. इस बीच फिर कोशिश रही पर नाकामयाबी बस हासिल उनके खाते में, और स्कोर वहीं तभी हम देख सकते हैं 13 रन 4 विकेट के नुकसान पर. तीसरी ओवर यहां पर चल रही है, कुल 4 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है अब तक. 5 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है, पर बड़े अंक लगाने में बैकवर्ड बैट बॉयज टीम काफी बैकफुट पर आ चुकी है. यहां पर शायद फिर एक बार यहां पर जो कि रचा गया था नाइट का मैच था वो सुरेश ने मेडन मारी थी, आज शायद फिर एक बार हम देख पाएंगे कि नहीं दर्शकों. और यहां पर जोरदार तालियां दोस्तों, मेडन ओवर इस मैदान पर. फिर एक बार खिताब अपने नाम हासिल करने में कामयाब रहे गेंदबाज सुरेश, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी. काफी बेहतरीन गेंदबाज के रूप में देखिए दूसरी बार कोई छोटी बात नहीं है. अगर आप मेडन ओवर फेंक लो इस गोल मैदान पर, एक नामुमकिन चीज को मुमकिन करके दिखाया गेंदबाज सुरेश ने. बहुत ही बेहतरीन दोस्तों, फिर एक बार याद दिला दिया कि किस हिसाब से नाइट की वो मैच थी और वहां पर जो हिसाब से उन्होंने मेडन की थी, आज फिर एक बार दर्शा दिया है कि मैं किसी से कम नहीं. अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, और अच्छे गेंदबाज के लिए जरूर जोरदार तालियां होनी चाहिए. तर निश्चितपणे गोलंदाज सुरेशचं कौतुक असणाऱ्या खूपच सुंदर गोलंदाजी यावेळेस सुरेशच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. बॅट बॉय संघाचा एकंदर आपण विचार केलात, केवळ आणि केवळ 13 धावा धावफलकावरती नोंदवल्या जात आहेत. काहीशी कमकुवत धावसंख्या धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते, आणि आता मात्र या दरम्यान गोलंदाजीसाठी येतोय तो डावखुऱ्या हाताचा एक जबरदस्त फिरकीचा जादूगर अरविंद ढेकळे. जर आपण पाहिलं बॅट बॉयज संघाचा नवयुवकांचा भरण असलेला संघ आहे, तर एकीकडे आपल्याला पाहायला मिळतो रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कळंबोली संघ, ज्याने कित्येक वर्ष या मैदानावरती आपल्या दमदार खेळीच्या माध्यमातून गाजवलेत. म्हणूनच की काही या नवयुवकांना थोडासा कमी मी म्हणेल अनुभव या खेळाडूंच्या विरुद्धामध्ये खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. आज ज्या चुका झाल्यात निश्चितपणे पुढील सामन्याच्या माध्यमातून ह्या चुकांवरती नक्कीच पांघरून घातलं जाईल, नक्कीच चुका सुधारल्या जातील, आणि बॅट बॉय संघ पुन्हा एकदा नवीन जोमासा या मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार. आणि जेव्हा पुढच्या वेळेस रॉयल संघाविरुद्ध हा संघ खेळ करणार, त्यावेळेस त्यांचा खेळ मात्र उत्कृष्ट दर्जाच्या पाहायला मिळणार, याच्यामध्ये कोणत्याच प्रकारची शंका नाहीये. यावेळेस मात्र बिगिट केला जातोय सन्नीच्या माध्यमातून, परंतु आमन पुन्हा एकदा चेंडू खाली आणि सन्नी मात्र बॅक टू पवेलियन. या दैवळीत तू लगलख बाई पैसे सरता मला, या दैवळीत तू लगलख बाई पैसे सरता मला, या दैवळीत. 5 विकेट यहां पर गवा चुकी है बैट बॉयज टीम. अब दो मैं कहना चाहूंगा एक फ्रेश यंगस्टर जरूर मैदान पर नजर आ रहे हैं. दोनों ही अपनी टीम के लिए कुछ करना होगा, बड़े अंक जुटाने होंगे. कोशिश रही उठाने की पर विकेट कीपर के दास्तानों में गेम. देखिए बेहतरीन गेंदबाज है भावेश की अगर बात करें तो दोनों ही टन डालने में माहिर है इस मैदान पर. अगर अच्छी गेंदबाजी जिन्होंने अब तक की है तो भावेश का जरूर उस लिस्ट में नाम होगा. फिर एक बार भावेश तैयार है, यहां पर बल्लेबाज उठा दिया है गेंद को बहुत ही जबरदस्त तरीके से और सीधा 6 रनों के लिए जबरदस्त बल्लेबाजी. ये
आशय के रूप में जरूर करण यहां पर उभर के आए थे, उठाने की कोशिश नहीं, फिर एक बार अंपायर से अपील पर शायद लेग 22 के रूप में यहां पर एक अंक अपने खाते में जुटाने के लिए तैयार। और शायद यहां पर दोहरी अंक में जा चुका है, जरूर डबल्स यहां पर 20 रन अपनी टीम के लिए जरूर जुटा लिया है। दोनों ही बल्लेबाज, एक अच्छी बल्लेबाज की भूमिका जरूर यहां पर करण की ओर से देखने मिली, बट गेंद अब उतनी शेष नहीं रही, छोटे बल्लेबाज कोशिश जरूर की थी बट मौका नहीं। 20 रन बनाकर 21 रनों का टारगेट यहां पर दिया है रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कलमबोली टीम को। बल्लेबाज करण एक अच्छी आशा की किरण बनकर जरूर उभरे थे, पर विकी कहीं ना कहीं जरूर देर हो चुकी थी, क्योंकि ओवर आखिरी ओवर स्लॉग ओवर जहां पर चल रही थी, एक बड़ा शॉट जरूर खेला था पर दोहरी अंक में जरूर लेकर गए अपनी टीम को। 20 रन बनाकर 21 रन का टारगेट रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कलमबोली टीम के लिए शायद एक छोटा चेजेबल स्कोर होगा, बट उतने ही रोमांचक तरीके से अगर देखनी होगी, अच्छी गेंदबाजी जरूर रही बैटबॉल टीम की, तो शायद एक अच्छी करार जरूर देखने में कामयाब रह सकती है। देखना होगा आने वाले समय में। तर निश्चितपणे अतिथी देवो भव आलेल्या पाहुण्यांचा स्वागत सत्कार करणं हे आपलं परम कर्तव्य। आपल्या व्यासपीठावर उपस्थित आपण पाहिलं तर तमाम मान्यवर आपल्याला उपस्थित पाहायला मिळतात। या संपूर्ण स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक आनंद शंकर माने उर्फ माने सरकार यांना मी विनंती करेन की आपण आपल्या शुभास्ते सन्माननीय श्री दिनकर जी पोपेडा साहेब डीजी कन्स्ट्रक्शनचे प्रोप्रायटर यांचा मात्र याच्या स्वागत सत्कार करायचा आहे। मायेची शाल देऊन आलेल्या पाहुण्याचा स्वागत सत्कार करायचा आहे। निश्चितपणे दिनकर पोपेडा साहेब असेल कळंबोली क्रिकेटमध्ये, त्यांचं खूप मोलाचं योगदान आपल्याला पाहायला मिळतं, त्यांचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून मात्र आदर सत्कार केला जातोय। मी साहेबांचं निश्चितपणे खूप धन्यवाद व्यक्त करेन की आपण आपल्या वेळातला वेळ काढून आमच्या स्पर्धेला शुभ उपस्थिती दर्शवली। तदनंतर संदीप काळे साहेबांना विनंती असेल की आपण सन्माननीय श्री विश्वास सातपुते साहेबांचा स्वागत सत्कार करायचा आहे। आमच्या व्यासपीठावरती उपस्थित सन्माननीय श्री विश्वासजी सातपुते साहेबांचा आता मात्र स्वागत सत्कार केला जातोय। संदीप काळे साहेबांच्या शुभास्ते मायेची शाल देऊन निश्चितपणे तर मी साहेबांचा देखील धन्यवाद व्यक्त करतो। पुन्हा एकदा मी शिवा खटके साहेबांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभास्ते बिरुदेव खिल्लारे साहेबांचा स्वागत सत्कार करायचा आहे। बिरुदेव खिल्लारे साहेब यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी देखील चांगलं योगदान आपल्याला पाहायला मिळते, यांचा या स्पर्धेच्या माध्यमातून यशोतीत स्वागत सत्कार केला जातोय। त्यानंतर मी आनंद माने यांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभास्ते एन पी खर्जे सरांचा देखील स्वागत सत्कार करायचा आहे। आमच्या व्यासपीठावरती उपस्थित सन्माननीय श्री एन पी खर्जे सर यांचा देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत सत्कार केला जातोय। तसंच मी साहेबांना विनंती करेन की आपण आपल्या सत्काराचा स्वीकार करायचा आहे। तदनंतर मी विनोद वाघमोडे यांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभास्ते सन्माननीय श्री अण्णा गोरड साहेबांचा स्वागत सत्कार करायचा आहे। आमच्या व्यासपीठावरती उपस्थित सन्माननीय श्री अण्णा गोरड साहेबां यांचा देखील स्वागत सत्कार केला जातोय। विनोद यांच्या शुभास्ते निश्चितपणे। त्यानंतर मी संदीपजी काळे साहेबांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभास्ते नाना मोरे साहेबांचा स्वागत सत्कार करायचा आहे। आमच्या व्यासपीठावरती उपस्थित सन्माननीय श्री नानाजी मोरे साहेबांचा स्वागत सत्कार केला जातोय। शिवा खटके साहेबांना विनंती असेल की आपण आपल्या शुभास्ते नाना मोरे साहेबांचा स्वागत सत्कार करायचा आहे। निश्चितपणे आनंद माने यांच्या माध्यमातून आयोजित केली गेलेली ही मानाची स्पर्धा आणि आलेल्या सर्व पाहुण्यांचा स्वागत सत्कार करणं हे आपलं परम कर्तव्य आपल्याला पाहायला मिळतंय। तदनंतर मी संदीप काळे साहेबांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभास्ते सन्माननीय श्री श्यामरावजी ठोंबरे साहेबांचा देखील स्वागत सत्कार करायचा आहे। आलेल्या संपूर्ण सर्व पाहुण्यांचा आता मात्र स्वागत सत्कार आमच्या आनंद मानेंच्या माध्यमातून केला जातोय, ज्यांच्या माध्यमातून एक जबरदस्त क्रीडा स्पर्धा, दोन दिवस चालणारी ही क्रीडा स्पर्धा, आजच्या संपूर्ण स्पर्धेंचा दुसरा दिवस आणि आलेल्या प्रत्येक पाहुण्याचा यथोचित स्वागत सत्कार इथे मात्र आनंद माने साहेबांच्या शुभास्ते केला जातोय। तदनंतर मी विनोद यांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभास्ते सन्माननीय श्री आगतरावजी मेटकरी साहेबांचा स्वागत सत्कार करायचा आहे। बऱ्याचशा मान्यवरांची उपस्थिती कालच्या दिवसामध्ये उद्घाटनाच्या कार्यक्रमासाठी लाभताना आपल्याला पाहिली, त्याचप्रकारे आज जर आपण पाहिलं सकाळपासून मोठी मान्यवरांची वर्दळ आणि आलेल्या प्रत्येक मान्यवरांचा चोखरित्या पाहुणचार आनंद माने साहेबांच्या माध्यमातून केला जातोय। तर यावेळेस मी पुन्हा एकदा व्यासपीठावरती उपस्थित तमाम मान्यवरांचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत करतो। तसंच घेऊन जातो सर्व मान्यवरांना आपल्या मैदानाकडे जिथे एक जबरदस्त लढत आपल्याला पाहायला मिळते, एकीकडे आपल्याला पाहायला मिळते अंडर 14 चा एक जबरदस्त
खेळाडू फलक गोलंदाज विपुल पाटील ज्याचं एमसीए साठी सिलेक्शन झालंय मित्रांनो. अंडर 14 संघाकडून लेदर क्रिकेट जबरदस्त खेळतो, टेनिस क्रिकेटमध्ये देखील प्रवेश मिळवलाय. लेग स्पिन जर आपण पाहिला, अप्रतिम लेग स्पिनच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. सचिन संतोष मध्ये सारख्या फलंदाजाला आता मात्र जखडून ठेवलं जातंय. निश्चितपणे धावफलकाचा विचार केला, पहिला चेंडू आला होता निर्धाव स्वरूपाचा, तदनंतरच्या चेंडूचा विचार केला, एकेरी स्वरूपाची धाव आता मात्र धावफलकावरती नोंदवली जाते. आता विपुलला मोठं आव्हान असणार आहे. तुषार शर्मा अर्थातच मन्नी याचा विपुलचा एकंदर आपण विचार केला मित्रांनो, 4 फूट उंचीचा हा खेळाडू त्याच्या समोर जर आपण पाहिला, तुषार शर्मा तब्बल 6 ते 6.5 फूट उंचीचा हा खेळाडू. परंतु विपुलने देखील बरेचसे उन्हाळे पावसाळे क्रिकेटचे पाहिले, टेनिस क्रिकेटचा अनुभव नसेल परंतु लेदर क्रिकेटमध्ये खूप उच्च स्थानावरती तो आज क्रिकेट खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतो. एम सी ए म्हणजेच मुंबई क्रिकेट असोसिएशनकडून तो अंडर 14च्या संघामध्ये त्याची नियुक्ती आपल्याला होताना पाहायला मिळते. म्हणजे उत्कृष्ट दर्जाची खेळी त्याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते आणि त्याच प्रकारची गोलंदाजीची ॲक्शन. यावेळेस त्याची थोडासा अनुभव कमी पडतोय, चेंडू येतोय वाईडिश लॉंग ऑफ सी मारिशीच्या बाहेर, एक दणदणीत चौकार फलंदाज तुषार शर्माच्या बॅटमधून. माझा जीव तळमळ झोक तिची पाहण्या आलो तिच्या घरा पुढ डीजे आपण पाहू शकतो. विपुलच्या माध्यमातून चांगली गोलंदाजी केली जाते परंतु तुषार शर्मा त्याला चोख प्रत्युत्तर देतोय. यावेळेस लेग स्पिनचा प्रयत्न केला जातोय. पंचांकडे निश्चितपणे लाऊड अपील, पंचांनी अपील स्वीकारलीय. अवांतरचा इशारा पंचांच्या माध्यमातून येतोय. वाईट चेंडूचा इशारा आणि वाईटच्या माध्यमातून आणखीन एक धाव, 6 धावा धावफलकावरती नोंदवल्या जात आहेत. ऑफ ब्रेकच्या प्रतिवरती चेंडूवरती मोठा फटका आलाय, त्यानंतर केलाय चेंडू लेग ब्रेक आणि त्या चेंडूवरती येते एक धाव. एका धावेने धाव फलक पुढे सरकते. संघाच्या एकूण धावसंख्येचा विचार केला तर 7 घरात स्मॅश. और संघर्ष के कप्तान से मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज आने वाले लॉट्स के लिए कमेंट्री बॉक्स में आ जाए स्मॅश और संघर्ष के कप्तान. तर निश्चितपणे धन्यवाद राजन संघर्ष संघाच्या संघाने. आपल्याला विनंती असेल की आपण नाणेफेकीसाठी त्वरितच समालोचन कक्षाशी संपर्क साधायचा आहे. तसंच स्मॅश संघ आपल्याला विनंती असेल की आपण त्वरितच नाणेफेकीसाठी समालोचन कक्षाशी संपर्क साधायचा आहे. या दरम्यान चांगला प्रयत्न केला जातोय विपुलच्या माध्यमातून परंतु धावसंख्येचा विचार केला, थोडीशी कमी धावसंख्या पहिल्या सत्रामध्ये आपल्याला पाहायला मिळाली फलंदाजी करताना बॅड बॉय संघाच्या बाजूने. यावेळेस पाहूया गोलंदाज विपुलच्या षटकामध्ये असणारे हा शेवटचा चेंडू, अंतिम चेंडू कशा प्रकारे खेळला जातोय. एक सुंदर कव्हर ड्राईव्ह केला जातोय, नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू येतोय सी मार्शीच्या बाहेर, एक खणखणीत चौकार. मी देईन तिरक्या तुलार, पाहिजे तेवढ्या देईन तिरक्या तुलार, सामना जिंकून दाखव बारक्या पगार, सामना जिंकून दाखव बारक्या पगार, पायल देवड्या देईन तिरक्या तुलार, पायल देवड्या देईन तिरक्या तुलार, यो सामना जिंकून दाखव बारक्या मलार, यो सामना जिंकून दाखव बारक्या मलार, अरे पायल देवड्या देईन तिरक्या तुलार, पायल देवड्या देईन तिरक्या तुलार. देखिए काबिले तारीफ करनी होगी एमसीए में अंडर 14 की ओर से खेलते हैं विपुल, एक बहुत ही अच्छे गेंदबाजी थी. यहाँ पे लेदर का एक्सपीरियंस जरूर मन्नी के पास भी है. तुषार शर्मा एक अच्छे बल्लेबाज है, लेदर में अच्छी गेंदबाज है और यहाँ पर काफी डिफेंसिव क्रिकेट भी हमें देखने मिली. अच्छे गेंदबाज के रूप में विपुल वहां पर आए थे, एक बहुत ही अच्छी और दर्जेदार गेंदबाजी. आने वाले समय के लिए आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं. तर निश्चितपणे पुन्हा एकदा आता करणची वर्णी लागते. करण ह्या खेळाडूचा विचार केला, हा देखील अंडर 16चा एक जबरदस्त खेळाडू आहे. म्हणजे सावंत सरांच्या माध्यमातून मात्र नवयुवकांना संधी दिली जाते, अनुभव कुठेतरी यांच्या माध्यमातून कमी पडतोय. 13 धावा धावफलकावरती नोंदवल्या जात आहेत, 21 धावांचा पल्ला गाठायचा आहे. म्हणजे अद्याप देखील आपण विचार केला तर 8 धाव्यांची आवश्यकता असणार आहे येणाऱ्या 17 चेंडूंमध्ये. 17 चेंडू 8 धावा सामना पाहिला तर पूर्णपणे झुकलाय हा सामना मी म्हणेल संघर्ष संघाच्या बाजूने. तर स्मॅश संघ तुम्हाला निश्चितपणे स्मॅश संघ इथे उपस्थित आहे, तरी संघर्ष संघाच्या संघनायक देखील उपस्थित आहेत. म्हणजे या सामन्यामध्ये जो संघ जिंकेल त्या संघाला देखील विनंती असणार आहे की सामना संपल्यानंतर त्वरितच आपण समालोचन कक्षाशी संपर्क साधायचा आहे.
यावेळेस गोलंदाज करण डाव उजव्या हाताचा एक वेगवान गोलंदाज लेदर मध्ये चांगली कामगिरीच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. यावेळेस सुंदर गोलंदाजी होती, फलंदाजाला तर चकवलं परंतु यष्टी रक्षकाला पंचांचा निश्चितपणे बोट आकाशाकडे आणि फलंदाज मात्र बाद होताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. निश्चितपणे धन्यवाद डीजे. आपण पाहिलं तर फलक गोलंदाज करण आता मात्र आपली छाप सोडतोय या मैदानावरती. तुषार शर्मा सारखी विकेट त्याला प्राप्त झाली, त्याच्या करिअरच्या आत मात्र या मैदानामधून सुरुवात होते टेनिस क्रिकेटची. आणि आज पहिल्या दिवशी मात्र तुषार शर्मा सारखा मोठा फलंदाज बाद होतोय. यावेळेस पुन्हा एकदा पायचीच्या माध्यमातून अमन लोहिया बॅक टू पवेलियन. विक्की मैं कहना चाहूंगा लेदर का एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं जरूर हमें टेनिस में देखने मिल रहा है. तेज धार गेंदबाजी थी, करियर का पहला विकेट, वो भी कोई छोटा मोटा शेयर नहीं, एक बहुत ही बड़ा अपने खाते में दर्ज कर लिया है यहां पर मन्नी के रूप में. और इसी के साथ अगर दूसरे देखो धार धार बल्लेबाज अमन लोहिया जैसे बल्लेबाज को पवेलियन का रिश्ता दिखाया. हैट्रिक पर, हैट्रिक की गेंद फेंकने के लिए यहां पर तैयार है करण जैसे गेंदबाज, माहिर गेंदबाज. देखते हैं जोरदार तालियों का स्वागत इस हैट्रिक गेंद का. अगर लेने में कामयाब तो कहीं ना कहीं जरूर कामयाब बॉलर के नाम पर यहां पर जाने जाएंगे बैट बॉयज की ओर से. यहां पर करण तैयार अपनी तीसरी सॉरी चौथी गेंद लेकर कट करते हल्के हाथों से, वहां पर हैट्रिक का चांस जरूर गवाया है. पर अच्छी गेंदबाजी हमें कहना चाहूंगा, अच्छी बहुत ही अच्छी तरीके से गेंदबाजी उन्होंने करी और दो विकेट, दो अपने करियर के स्टार्ट के एक बहुत ही बड़े विकेट अपने खाते में दर्ज किए और अच्छा एक मैं कहना चाहूंगा डेब्यू किया है यहां पर बैट बॉय स्पोर्ट्स क्लब टीम की ओर से. तर निश्चितपणे राजन आपण पाहिलं तर सुरेख गोलंदाजी, यावेळेस कैलास चौधरीची कुठेतरी कमतरता आपल्याला पाहायला मिळते. तर कैलास चौधरी असता यावर्षी चांगली फलंदाजी करतोय, एका मोठ्या टार्गेटपर्यंत हा संघ जाऊन पोहोचला असता यावेळेस चेंडू हवेमध्ये, परंतु प्रयत्न केला जात नाही. प्रयत्न झाला असता तर झेल पूर्ण झाला असता. खराब क्षेत्ररक्षण परमेश्वर पाडीलच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. यावेळेस पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक दुसरा चौकार, विजय ठरतोय रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कळंबोली संघ. विजेत्या संघाचे हार्दिक अभिनंदन, तसंच परस्त झालेल्या संघाला आपल्या पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा. आपण खूप सुंदर खेळ या मैदानावरती दाखवलात, त्याबद्दल आपल्याला तुमच्या पुढील सामन्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा असणार आहे. तर नुकत्याच झालेल्या सामन्यामध्ये सामनावीर ठरतोय